देखिए माता रानी का बुलावा होता है तो आना ही होता है। हम लोग दिल से बहुत मानते हैं, हमारा कनेक्शन है, हम इधर ना आए तो हमारे को शांति नहीं पड़ती। मैनू दर ते बुला ले एक बार दातिए, दर ते मैं आवांगा हर साल दातिए, तेरे दर ते मैं आवांगा हर साल दातिए। कठिन चढ़ाइयां मैया असी चढ़ गए, आया तेरे दर उते मैया दर्शन दे, तेरी कठिन चढ़ाइयां मैया असी चढ़ गए, आया तेरे दर उते मैया दर्शन दे। मैनू गली नाल लिपिका खरबंदा है, हम लोग दिल्ली से आए हैं सारी फैमिली। मैं यही संदेश देना चाहूँगी, देखिए हमने भी अपने बहुत फैमिली मेम्बर्स लूज़ करे हैं, हम लोग भी इसके थ्रू गए हैं और बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स रही हैं। हमारी मदर हॉस्पिटल में थी, तो बात यही है जब तक आप खुद सेफ नहीं, और पहली बात सबसे बड़ा मैसेज, आप हिम्मत मत तोड़िए। अगर आप बीमार हैं डरिए मत, क्योंकि डर काम ख़राब कर देता है। सेफ़ रहिए, सैनिटाइजर्स यूज़ करें आप लोग, जब तक सेफ रहोगे और मास्क लगा के रखोगे आपको हो ही नहीं सकता, और अगर हो भी जाता है तो डरने की बात नहीं है, नॉर्मल कोल्ड कफ है, डरना नहीं होता, यू विल बी सेफ। बाकी हम लोग इधर आए हैं, देखिए माता रानी का बुलावा होता है तो आना ही होता है। हम लोग दिल से बहुत मानते हैं, हमारा कनेक्शन है, हम इधर ना आए तो हमारे को शांति नहीं पड़ती। हम साल में 8-10 बार आते हैं इधर, और अब हमारे को 1 साल हो चुका है लॉकडाउन के चक्कर में, क्योंकि हम भी गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करते हैं, बट इस बार हम बहुत मुश्किल से आए हैं क्योंकि हम थोड़े टाइम में फ़ौरन चले जाएंगे सारे। तो कहने का मतलब यही है कि माता रानी के पास आप आइए, बट सेफ्टी से, और पूरा अपना जब तक आप ध्यान रखेंगे तब तक आपको कुछ नहीं हो सकता। बट मानिए, इनको मानोगे, आप लोग इधर आओगे आपका मन अच्छा होगा, तो ये भी चीज़ ज़रूरी है। मैं दिल्ली पश्चिम बिहार से आया हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कितनी भी कठिनाई हो, कितनी भी मुश्किलें हो, सारे सबको माँ वैष्णो के दर्शन करने आना चाहिए। दूसरे में जो जिस इष्ट को मानता हो उसके दर्शन करने जाना चाहिए, और दूसरे में जो आज जम्मू कश्मीर में एवरीथिंग इज ऑल इंडिया में जैसे रोज़गार कम हो रहे हैं, जैसे आज खाने पीने या कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी बहुत सेफ्टी के साथ उनको खोलना चाहिए ताकि सबको रोज़गार मिले। दूसरे में जो इष्ट को मानता वहाँ जाना चाहिए, और कहने का मतलब यही है कि सबको रोज़गार मिलना चाहिए, और कठिनाइयाँ खूब आई लेकिन जाना चाहिए।